औषधीय पौधे अश्वगंधा पर ग्राफ्टिंग करके किसान परविंदर ने सबको हैरान कर दिखाया है। अपने घर पर लगाई गई नर्सरी में परविंदर कुमार ने ग्राफ्टिंग में कुछ ऐसा किया है जिसके देखकर हर कोई दंग रह जा रहा है। परविंदर कुमार ने अश्वगंधा के पौधे पर ग्राफ्टिंग करके मिर्ची, टमाटर और रस भरी उगाई है। यही नहीं, परविंदर की मेहनत रंग लाई है और अब औषधीय पौधे अश्वगंधा पर मिर्ची के अलावा रसभरी भी लगाई हुई है और टमाटर पर भी फूल आ गए हैं। हमीरपुर के गांव लाहलड़ी के किसान परविंदर कुमार के आए दिन इस तरह के ग्राफ्टिंग के कारनामों से कृषि विभाग भी हैरान हो जाता है। आपको बता दें कि पिछले कुछ साल पहले ही परविंदर कुमार ने आलू के ऊपर टमाटर उगाए थे और तत्कालीन कृषि मंत्री स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया के द्वारा उनकी जमकर तारीफ की गई थी और इनाम देकर उन्हें नवाजा था। परविंदर कुमार ने अपने घर पर ही नर्सरी लगाई है और घर से ही बागवानी के शौक को वे पूरा करने में जुटे हुए हैं। उन्होंने कहा कि बागवानी में नई नई चीजें करने का शौक रहा है, इसी के चलते इस बार अश्वगंधा पौधे पर रस भरी टमाटर और मिर्ची की ग्राफ्टिंग की गई जो कि सफल रही और पौधे पर अलग अलग तरह के परिणाम सामने आ रहे हैं। उन्होंने बताया कि पिता की प्रेरणा के बाद बागवानी का काम उन्होंने शुरू किया और अब बागवानी के साथ नर्सरी से अच्छा मुनाफा कमा रहे हैं। परविंदर ने युवाओं को भी संदेश देते हुए कहा कि स्वरोजगार अपनाएं और नर्सरी का काम करके भी वे अपनी आजीविका कमा सकते हैं। परविंदर कुमार ने बताया कि पौधों की सही ढंग से देखरेख करनी पड़ती है और पौधों की जितनी देखरेख करेंगे उतना ही फायदा होगा। उन्होंने कहा कि नर्सरी में पौधे लगाकर फायदा कमाया जा सकता है, लेकिन ठीक काम करने की जरूरत है। उन्होंने बताया कि तत्कालीन कृषि मंत्री स्वर्गीय सुजान सिंह पठानिया के द्वारा भी ग्राफ्टिंग को देखकर उनकी प्रशंसा की गई थी और इनाम दिया गया था। सबसे पहले मैंने टमाटर, आलू के ऊपर टमाटर तैयार किया था, उसके बाद एवोकाडो वगैरह प्लांट तैयार किए हैं सीड से, अब मैंने अश्वगंधा के ऊपर टमाटर और रस भरी और मिर्चें तैयार की है। कम से कम 2-2.5 महीने में ये प्लांट मैंने तैयार किया है, इसको इनके ऊपर मैंने ग्राफ्टिंग की और वो सक्सेस रही। ग्राफ्टिंग का शौक बड़े पहले से था, मेरे पिताजी थे वो हमें बताते रहते थे कि प्लांट की केयर कैसे करनी है, कैसे टाइम टाइम पे इनको फर्टिलाइजर वगैरह और कैसे कटिंग वगैरह फ्रूटिंग वगैरह लेनी तो कौन सा फर्टिलाइजर वगैरह। तो हमारे पिताजी की जो मतलब मेरे ऊपर काफ़ी प्रभाव रहा है और हमारे चाचा कैप्टन जयचंद जी वो भी एग्रीकल्चर में उन्होंने भी काफ़ी नाम कमाया हुआ है, तो उनकी भी मेरे सीख रही उनसे और मतलब काफ़ी मतलब मैं भी उनसे प्रभावित हुआ और फिर मैं भी इस काम में मतलब थोड़ा पड़ गया। देख रहे इसकी टाइम टू टाइम जैसे कई बार पानी की क्या समस्या है या तो सारा मतलब फर्टिलाइजर कब देना है ये सारे मतलब टाइम टाइम पे मतलब प्लांट को देना जो है ज़रूरी है, क्योंकि देखभाल जो है कि प्लांट की आप अच्छी तरह से करेंगे तभी इसके मतलब आप सक्सेस होंगे। अगर आपने प्लांट लगा दिया उसकी केयर नहीं करेंगे, पानी नहीं देंगे टाइम पर या फर्टिलाइजर नहीं देंगे तो सक्सेस नहीं होता है। तो इनको मतलब काफ़ी केयर करनी पड़ती है तब जाके प्लांट, इनसे प्यार करना पड़ता है। तो जो अपनी प्राकृति है ना जी, तो उनसे मतलब इसको प्यार करेंगे आप तभी मतलब आगे आने वाली पीढ़ियों के लिए भी एक मतलब प्रेरणा लायक होगा। नर्सरी के काम में मतलब मुनाफा अच्छा है, मतलब खुद नॉलेज होना चाहिए कि जैसे एक प्लांट से कैसे प्लांट तैयार करने हैं। अगर आप मतलब नर्सरी खरीद के लाएंगे तो इतना प्रॉफिट नहीं है, जितना प्रॉफिट हम खुद तैयार करेंगे तो उस समय ज़्यादा प्रॉफिट है। विभाग ने भी काफ़ी पहले हेल्प की थी, तो मेरे को उस टाइम पीएस परमार जी हुआ करते थे हमीरपुर में, तो वो मेरे को शिमला में लेके गए थे, सुजान सिंह पठानिया जी कृषि राज्य मंत्री हुआ करते थे स्वर्गीय श्री सुजान सिंह पठानिया जी, तो उन्होंने भी मेरे को शिमला बुलाया था, तो एग्रीकल्चर विभाग ने मेरा काफ़ी सहयोग किया था। खेती बाड़ी में ऐसे है जी कि थोड़ा सा अगर नर्सरी में काम करेंगे तो नर्सरी में काफ़ी चांसेस है, पैसा भी ठीक है इसमें, बशर्ते इसमें थोड़ा लगन होनी चाहिए, क्योंकि आजकल नौकरियों के तो आपको पता ही है कि बड़ा मुश्किल है, तो थोड़ा सा मतलब इस क्षेत्र में जो है वो
मतलब बच्चों को आना चाहिए और रोजगार के काफी मतलब अवसर है इसमें और पैसा भी ठीक है इसमें। स्थानीय निवासी स्वर्णा देवी ने बताया कि परविंदर के द्वारा ग्राफ्टिंग में नई नई चीजें की जाती हैं जिन्हें देखकर हर कोई हैरान है। उन्होंने बताया कि नर्सरी के काम में भी परविंदर बढ़िया काम कर रही हैं। जी ये ऐसी ग्राफ्टिंग करते रहते हैं ना, और ये तो हमें भी नहीं मालूम कि कब कर देते हैं ऐसा। ये इनको शौक है मतलब हर चीज पर नई नई चीजें उगाने का। जैसे अभी इन्होंने अश्वगंधा पर हरी मिर्चें और रसभरियां वगैरह उगा दी हैं, तो ये हमें देख के भी बहुत अच्छा लगता है क्योंकि इनको बहुत शौक है ऐसा करने का। इस मुद्दे पर कृषि उपनिदेशक हमीरपुर पीसी सैनी ने कहा कि अगर कोई किसान इस तरह की तकनीक से ग्राफ्टिंग कर रहा है तो बढ़िया है। उन्होंने किसान की प्रशंसा करते हुए कहा कि इस तरह से अच्छे परिणाम सामने आ सकते हैं। उन्होंने कहा कि विभाग भी इस तरह की तकनीक को अपनाने के लिए आगामी दिनों में काम कर सकता है। तो ग्राफ्टिंग एक बहुत अच्छी टेक्निक है और इसमें अगर थोड़ा कमर्शलाइजेशन की तरफ कोई जाए किसान तो उससे ज़्यादा फायदा हो सकता है सभी किसान भाइयों को। लेकिन अगर कोई अपने शौक के लिए करता है तो ये चलो एक अच्छी बात है। तो मुझे तो ये लगता है कि वो अच्छे जागरूक किसान हैं जिन्होंने भी किया है और एक उनका शौक होगा जिस वजह से ये कर रहे हैं, तो इसमें उनको ट्राई करनी चाहिए। और भी दूसरी जो हमारी क्रॉप्स हैं, जैसे अगर हम बात करें सेब की, आम की या दूसरे जो फ्रूट प्लांट्स हैं, उसमें कोई अच्छा इसका प्रयोग कर सकें तो बहुत फायदा इससे हो सकता है। ये विभाग जो काम करता है वो हमारा ग्राफ्टिंग में नहीं है एग्रीकल्चर का, इसमें हॉर्टिकल्चर में हमारे पास काफ़ी ट्रेंड लोग भी मिलते हैं और हॉर्टिकल्चर में ये ज़्यादा सक्सेसफुल भी है हमारे फ्रूट क्रॉप्स में। और एग्रीकल्चर में अभी इस तरह का कुछ हम वेजिटेबल्स में नहीं करते, लेकिन अगर ऐसा कुछ संभव है तो आने वाले टाइम में ये भी एक विषय रहेगा रिसर्च के लिए। अगर इसका कोई फायदा अगर हो सकता है तो इसमें प्रयास किए जाएंगे।